तो कनाडा का भारत से पंगा लेना उनके लिए नई आफत खड़ी कर चुका है और भारत हमेशा के लिए एक पत्थर की दीवार बनकर उनके सामने खड़ा हो गया है, जिसे तोड़ पाना कनाडा के लिए नामुमकिन हो गया है। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से भारत की तरक्की देखी नहीं गई, शायद इसीलिए कनाडा के प्राइम मिनिस्टर पिछले साल से ही भारत पर झूठे आरोप लगाकर भारत को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने इन्हें इनके जाल में उल्टा ही लटका दिया है और इनके ऊपर से सारा विश्वास खत्म करने के साथ ही भारत ने 6 टॉप कैनेडियन डिप्लोमेट्स को भारत वापस बुला लिया है, जिससे दोनों देशों के बीच विवाद इतना बढ़ गया है कि कनाडा के साथ भारत का रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया है। और यह कनाडा के प्रधानमंत्री के लिए इतनी बड़ी चौंकाने वाली खबर है कि उनकी सांसें थम गई हैं, जिससे वह इधर उधर भटक कर नए रास्ते की तलाश कर रहे हैं। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री की कुछ चंद गलतियों के कारण भारत और कनाडा की जो रिलेशन है वह अपने एकदम निचले स्तर पर चले गए हैं और दोनों देशों के बीच एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यह बात 14 अक्टूबर की है, जब भारत ने हाल ही में कनाडा में मौजूद एनॉय यानी कि राजदूतों को भारत ने बुलाया और उनसे साफ शब्दों में कह दिया कि हम तुम्हारे साथ कोई भी संबंध नहीं रखना चाहते। और इसी के साथ साथ भारत ने कनाडा में जो डिप्लोमेट्स यानी कि राजदूतों को भेजा हुआ है उनमें जो टॉप 6 डिप्लोमेट्स थे उन्हें वापस बुला लिया। और ऐसा भारत को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि भारत के सिर से पानी अब ऊपर जा चुका है और अब कनाडा को सबक सिखाने के लिए केवल एक ही ऑप्शन रह गया है, क्योंकि इन सब के पीछे बहुत बड़ी वारदात है जो कि पिछले साल से ही चली आ रही है। इस समय आप लोग जिस व्यक्ति को देख रहे हैं इनका नाम हरदीप सिंह निज्जर है, जो कि खालिस्तान टाइगर फोर्स के लीडर माने जाते हैं और इन्हें आम तौर पर दुनिया आतंकी की तरह देखती है। वैसे तो यह कनाडा के एक नागरिक है, लेकिन उससे पहले यह भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी में से एक है, जिन्हें भारत ने साल 2020 में आतंकी घोषित कर दिया था। लेकिन पिछले साल सितंबर 2023 में किन्हीं अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन इसका आरोपी सीधे तौर पर कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत की एजेंसियों पर लगाया और उनका कहना है कि इन्हें मरवाने में भारत के किसी सीनियर डिप्लोमेट का हाथ है। हालांकि इन्हें मरवाने में भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, इसीलिए भारत ने इसे स्वीकारने से और उनकी बात मानने से मना कर दिया। और भारत ने यह भी कहा कि अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि हमने ऐसे किया है तो इसका कोई सबूत दिखाओ, तभी हम इस बात पर एग्री करेंगे। लेकिन कनाडा के पास इसका कोई भी प्रूफ नहीं मिला, फिर भी उसके बावजूद बार बार इनके द्वारा बेबुनियादी रूप से भारत पर झूठे आरोप लगाए जा रहे थे, क्योंकि जल्द ही कनाडा में चुनाव होने वाला है और वहां पर जो ज्यादातर जनसंख्या है वह सिख लोगों की है और सिख लोग वहां के खालिस्तानियों का बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब से खालिस्तान के लीडर की हत्या हुई है तब से ज्यादातर जनसंख्या कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ है। ऐसे में यह चुनाव ना हारे इसलिए यह खालिस्तानी समर्थक को अपने सपोर्ट में करने के लिए भारत के खिलाफ इस हद तक उतर चुके हैं कि कोई सबूत न मिलने के कारण भी भारत पर भी बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि इसी बीच इन्होंने भारत का नाम लेकर एक बहुत बड़ा झूठ बोला है, और यह झूठ इतना बड़ा था कि इन्हें प्रधानमंत्री ऑफिस से धक्के मारकर बाहर निकालने के लिए खुद कनाडा के सांसद एक साथ उतर आए। और भारत ने इस बीच इनको 440 वोल्ट का झटका देने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। दरअसल इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह बात सामने रखी कि हाल ही में उनकी मुलाकात लाओस में भारत के प्रधानमंत्री मोदी से हुई थी, जहां पर इन्होंने खालिस्तान वाले मुद्दे पर भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत की। लेकिन भारत ने इस बयान को सीधा रिजेक्ट कर दिया और साफ तरीके से बताया कि लाओस में कोई भी इस तरीके की मुलाकात जस्टिन ट्रूडो के साथ नहीं हुई है। यानी कि इन्हीं बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनका दिमाग किस तरीके से फेल हो चुका है
और उनके द्वारा भारत को लेकर एक नहीं बल्कि अनेकों झूठ बोले जा रहे हैं। और आपको बता दे कि जब भी भारत से जुड़ी इस तरीके की कोई भी जियोपॉलिटिक्स आती है तो उसमें वेस्टर्न मीडिया का भी झूठ बोलना शुरू हो जाता है और उनकी तरफ से भारत को फालतू में बदनाम करने की कोशिश की जाती है। और हम वॉशिंगटन की रिपोर्ट में साफ साफ देख पाएंगे कि यहाँ पर खबर को उल्टा घुमाया गया है और बताया जा रहा है कि कनाडा सरकार ने आर्डर दिया है भारत की 6 हाई कमिश्नर डिप्लोमेट्स को वापस जाने के लिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है और भारत ने ही खुद वापस बुलाया है। हालांकि वेस्टर्न मीडिया का तो काम ही है कि भारत की खिल्लियां उड़ाना ताकि भारत को बदनाम किया जा सके, लेकिन बातों पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल दोनों देशों के बीच रिलेशन बिगड़ने से यह बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहने वाली बल्कि यह बात दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध पर भी पहुंच सकती है। और अगर व्यापारिक संबंध पर इसका असर पड़ा तो इसका असर न सिर्फ भारत और कनाडा पर पड़ेगा बल्कि इससे दुनिया की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि देखा जाए तो दोनों देशों के बीच हर साल लगभग $8 बिलियन से भी ज्यादा का बायलेटरल ट्रेड होता है और पिछले साल तो केवल $8.3 बिलियन था, लेकिन इस साल यह बढ़कर $8.4 बिलियन पर पहुंच चुका था, यानी कि दोनों देशों के बीच ट्रेड साल दर साल बढ़ रहा था। लेकिन अब खबर निकल कर आना शुरू हो चुकी है कि इस व्यापार के रिश्ते पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है। अगर कनाडा से भारत में इम्पोर्ट को देखा जाए तो हम लोग कनाडा से लगभग $4.5 बिलियन के प्रोडक्ट खरीदते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से कृषि उत्पादन जैसे कि दाल और कुछ अन्य फूड प्रोडक्ट के साथ साथ पेट्रोलियम भी खरीदते हैं। लेकिन यह ऐसी चीजें हैं जिसे खरीदने के लिए हमारे पास केवल कनाडा ही एक ऑप्शन नहीं है बल्कि और भी देश मल्टीपल ऑप्शन के तौर पर मौजूद है, यानी कि हमारी जरूरतें पूरा हो ही जाएगी, लेकिन इससे मोटा मोटा $4.5 बिलियन का हर साल कनाडा का नुकसान होगा। और अगर एक्सपोर्ट को देखा जाए तो हम केवल $3.8 बिलियन के सामानों को हर साल कनाडा में एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि हमारा हर साल लगभग $700 से $800 मिलियन का व्यापार घाटा कनाडा के साथ होता है। लेकिन हमारा एक्सपोर्ट भले ही $3.8 बिलियन का ही है, लेकिन इसमें हम लोग ऐसी वस्तुएं कनाडा को एक्सपोर्ट करते हैं जिसके लिए वह कनाडा दूसरे देश से अपनी जरूरत पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि भारत के द्वारा कनाडा को इंडस्ट्रियल सेवाएं देने के साथ साथ फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाइयां, कपड़े और आभूषण एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और इसमें फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवाइयां और आभूषण दो ऐसे प्रोडक्ट है जिसे कनाडा किसी भी हद में जाकर भी दूसरे देश से लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि भले ही भारत गोल्ड प्रोडक्शन के मामले में पीछे है, लेकिन भारत गोल्ड इंपोर्ट करके सस्ते दामों में जितने अच्छी क्वालिटी के आभूषण दे देता है और कोई दूसरा देश नहीं दे सकता, और ना ही कनाडा कभी यह भी चाहेगा कि वह दूसरे देश से दवाइयों वाले प्रोडक्ट खरीदे, क्योंकि भारत की दवाइयां दुनिया भर के देशों में एक्सपोर्ट की जाती है और क्वालिटी में उत्तम होने के साथ सबसे ज्यादा विश्वसनीय भी मानी जाती है। और देखा जाए तो यूरोप के देश ऑलरेडी यह चाहते हैं कि भारत उन्हें ज्यादा से ज्यादा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करे, यानी कि हमारे पास मार्केट एक्सेस की कमी नहीं है, इससे हमारा ज्यादा नुकसान नहीं होगा, इसका मेजर इम्पैक्ट केवल कनाडा पर ही पड़ेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि कनाडा के साथ हमें अपना संबंध मजबूत बनाकर रखना चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।